थाना नयापुरा में घुसकर आत्मदाह करने वाले युवक राधेश्याम के मामले की जानकारी लेने पर पता चला है कि ये पूरा मामला गांवड़ी स्थित राजकीय विद्यालय से शुरू हुआ। स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर ने राधेश्याम की बालिका को लेकर एक कमेंट किया था। इसको लेकर राधेश्याम ने स्कूल स्टाफ से लगातार बातचीत की और सोशल मीडिया पर स्कूल स्टाफ के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कही। वो घर पे आ गए, लड़ाई झगड़ा करने लग गए और पापा को मारने लग गए, तो फिर हमने भी छुड़ाया। मम्मी भी बीच में गई तो मम्मी के ऊपर भी हाथ उठाया। वार्ड पार्षद और उसके साथ दो और थे। क्या नाम है उनका? मेरे को नाम नहीं पता। एक तो अमित धोबी नाम से थे और एक शर्मा शर्मा थे। ये स्कूल की क्या बात आ रही है? स्कूल के अंदर मार्कशीट घटना है, मारपीट? अरे वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो बस है ना मार्कशीट लेने गए, जो मैम ने बस थोड़ा चिल्ला दिया, जो पापा को गुस्सा आ गया, तो ऐसे हो गया बस। उससे नाराज हो गए थोड़े से, बस उन्होंने ऐसे डाल दिया था। वो तो नहीं, तो पार्षद क्यों नाराज हुआ उससे? पार्षद के पता नहीं, जाने क्या मैसेज डाला, जो उसने घर पे आके मारपीट करने लग गया, पापा को मारा, मम्मी बीच में गई छुड़ाने, तो मम्मी के ऊपर भी हाथ लेके आए। हाँ, वो रोज चक्कर काटते थे पुलिस और थाने के। सर वो एक ड्रावल का काम करता था ये लेंथ में, और ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो कहीं डिप्रेशन में गया हो, उसने अपने हिसाब से पता नहीं क्या हुआ, उसका मेरे को मालूम नहीं है सर। आपके कौन लगते थे? मेरी बुआ का लड़का है। अच्छा, बीमारी का पहले पता लगा कि बीमार थे वो? नहीं नहीं सर, बीमार उमार कुछ भी नहीं था, बीमार भी नहीं था, कोई हरकत भी नहीं की, ड्राइवर का काम करता था। जो पार्षद से क्या विवाद हुआ था सर, इसका तो मेरे को मालूम नहीं है। जिसके बाद ये मामला वार्ड पार्षद हरिओम सुमन के पास पहुंचा और विवाद बढ़ने के बाद मामला नयापुरा थाने में भी पहुंचा, लेकिन उस समय पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेने पर युवक राधेश्याम ने आत्मदाह का प्रयास किया। गांवड़ी का रहने वाला राधेश्याम मीणा गुरुवार रात को खुद पर तेल छिड़क कर नयापुरा थाने के अंदर गया। गाड़ी खड़ी करने के बाद उसने खुद को आग लगा ली। उसका आरोप था कि पार्षद के खिलाफ दी गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो पुलिसकर्मियों ने उसे बचाया और उसे MBS अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे देर रात जयपुर रेफर कर दिया। बच्ची जो होती है वो 8 का रोल नंबर मांगने आई थी मेरे पास, तो मैंने उसे कहा मतलब बेटा एडमिट कार्ड होगा आपके पास, तो है ना कि नहीं मैडम वो तो खो गया, तो मतलब बेटा इतना सा संभाल के रखा करो, मैंने बस ये शब्द उससे कहे थे। और उसके बाद है ना वो उन्होंने एक जो था वो डाल दिया था मैडम को कि मैं यहाँ पर आया था व्हाट्सएप पे, और है ना आपने क्या नाम है सही मेरे को ये क्या नाम है मेरी लड़की के संग है ना पेरेंट्स गलत नहीं है, हमारे लोगों के साथ पेरेंट्स गलत व्यवहार करते हैं, और पेरेंट्स के साथ हम लोग गलत व्यवहार करते हैं आपके टीचर, और इस तरह की बात उन्होंने मुझसे कहा था, और मैं कल कलेक्टर से जा करके अपनी लड़की की बात कराऊंगा। ऐसा आपने क्या कह दिया था? बस मेरे कबल इतना सा कहा था कि भाई अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखा करो, गांवड़ी के बच्चे ऐसे होते हैं। नहीं मैंने कहा गांवड़ी के बच्चे, मैंने कहा अरे सब गांवड़ी के बच्चे ऐसे हैं, यो कहा मैंने, और कुछ नहीं कहा मैंने। मेरे को तो जब 2 तारीख को मैसेज आया उन्होंने डाला और फ़ोन आया था, मैं किसी थर्ड पर्सन का, उनका भी नहीं था, किसी थर्ड पर्सन का ही फ़ोन था, तो उन्होंने कहा कि 8वीं के आपके स्कूल में क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है सर, आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, आपका शुभ नाम? उन्होंने कुछ नहीं बताया, आप तो वो ग्रुप में मैसेज देखो। मैंने सोचा कोई बच्चे ने अनर्गल मैसेज डाल दिया होगा, वो कर रहे होंगे, तो मैंने वो मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ने के बाद फिर मैंने उनको वापस कॉल किया उसी फ़ोन नंबर पर, तो उन्होंने कहा फ़ोन उठाया नहीं, दो बार किया मैंने, दोनों बार उन्होंने नहीं उठाया। फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्हीं का कॉल आया, किस बात से नाराज थे वो तो उन्होंने फोन पे भी नहीं बताया ना उसमें डाला, वो तो मुझे बाद में पता चला सर। ए पूर्णिमा की उत्तरी मैडम, उनसे क्या बात हुई? वो मैंने बाद में उनसे पूछा तो वो बस वो एक रोल नंबर लेने आई थी, तो उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड में होगा तुम्हारा रोल नंबर, जैसा उन्होंने बताया मुझे, तो बोले एडमिट कार्ड तो खो गया बच्चे ने बोला, तो बस उन्होंने इतना सा बोल दिया कि भाई क्या तुम डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रख सकते, खो देते हो, बस इस बात से ना। बिल्कुल, जब ये मामला हुआ मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, एक तो मेरी छवि खराब करना चाहता है इस बारे में मैंने दो रिपोर्ट दर्ज कराई है कि भाई ऐसे ऐसे मामला हुआ है और ये मेरी छवि खराब करने में लगा रहता है। आपके नाम से कोई मैसेज डाला था क्या सोशल मीडिया पर? मेरे नाम से डाला था मैसेज। क्या डाला था, क्या वजह थी? कि आपका पार्षद ये जो स्टाफ वालों को भारी कर रहा है, स्टाफ वाले इसलिए ना अपनी बेइज्जतियां कर रहे हैं, और यूं बोल रहे हैं गांवड़ी के लोग बकवास होते हैं। सर घटनाक्रम ये था कि राजकीय हमारे जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर उसकी बच्ची पढ़ती थी, उसके एग्ज़ाम की फीस भी मास्टरों द्वारा स्टाफ द्वारा भरी जाती थी, और उन्होंने कोई एग्ज़ाम होता है वो उसने लड़की ने क्वालिफाई किया तो उसकी ये आया यहाँ पर कि भाई मेरी बच्ची का क्वालिफाई होगा, तो मैडम ने इससे डॉक्यूमेंट्स मांगे, इसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होने कारण मैडम ने कहा आप डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखा करो, तो इसको बुरा लग गया होगा, तो ये मैडमों से बदतमीजी कर गया और मैडमों से भी गलत शब्द बोले,
रातों को मैडमों को फ़ोन करने लगा, दिन में फ़ोन करने लगा, जो स्कूल का ग्रुप है उसमें भी इसने मैसेज डाले हैं। मामला ये था कि मेरा स्कूल से कोई मतलब नहीं है, ना स्टाफ से मतलब है ना उससे मतलब है ना, उसने ज़बरदस्ती मुझे स्कूल में इन्वॉल्व किया कि स्कूल में ये स्टाफ को भारी करने वाला आपका पार्षद, उसके गंजा दोस्त मित्र वगैरह और ये इसके चेले चपाटे हैं, जिस वजह से वो हमारी क्या बोलते हैं स्कूल की मैडमें भारी हो रही है। गावड़ी के स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक राधेश्याम शराब पीने का आदी है और अग्रेसिव भी है। गावड़ी में मुक्तिधाम के पास वह रहता है। राधेश्याम की बेटी 8वीं क्लास में पढ़ती है जो कि गावड़ी स्थित सरकारी स्कूल में है। 2 सितंबर को इस पूरे मामले की शुरुआत हुई।